पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं सिंपल जनरल एंट्री, जहां हमने पढ़ा कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, उस टाइम कौन कौन से खाते इफेक्ट करते हैं, कौन क्रेडिट कौन डेबिट होता है वहां पे, या परचेज के भी यहाँ पे देखा हमने कि परचेज के ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है ये सीखा हमने, पेमेंट करना सीखा और सेल्स करना सीख लिया। आज अगर हम सामान बेचते हैं तो फिर पैसा रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी आज रिसिप्ट के बारे में करेंगे। कल हम लोग पेमेंट करने के बारे में पढ़े थे, आज पेमेंट रिसीव करने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी कुछ ट्रांजेक्शन होंगे जैसे सैलरी देना, रेंट देना, कमीशन रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना या देना, ये सारी चीजें भी आज की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज लास्ट टर्म है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद से आपकी बारी होगी, फिर आप क्वेश्चन करेंगे लगातार कई दिन तक, उसके बाद से फिर स्टार्ट हो जाएगा कंपाउंड जनरल एंट्री। सिंपल पे थोड़ा फोकस करिए, तरीका याद रखिए, मैंने बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताए हैं, वो ट्रिक्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहे होंगे, है ना, बहुत हेल्प कर रहे होंगे। जो लोग कॉमर्स को स्टूडेंट होंगे उनको लग रहा होगा कि यहाँ कुछ अलग है, कुछ ट्रिक जो बताए गए हैं आपको एडिशनली, वो किसी भी क्वेश्चन पे प्रॉपरली तरीके से अप्लाई हो जाएंगे कैसे भी। वो लोग जो अकाउंटिंग नहीं पढ़े हैं, कॉमर्स लाइन से नहीं है, उनके लिए भी जो तरीका मैंने बताया बहुत आसान रहा है, समझ में आ गई बात ना। तो चलिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लिख लिया जाए, तो आज पेमेंट रिसीव करना है ना, सबसे पहले पेमेंट रिसीव करते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा ऐसा लिखा, पेमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है टू और फ्रॉम से, याद रखिएगा, फ्रॉम का मतलब देने वाला और टू का मतलब जिसको आप दे रहे हैं पाने वाला। पेमेंट सबसे दिखाई नहीं दे रहा, अरे अरे इतना उजाला है कि दिखाई नहीं देगा, लाइट फोन का फ्लैश जला लीजिए, फोन का फ्लैश जला लीजिए, वही अच्छी बात है, अच्छा बहुत अंधा नहीं होना, अच्छा मुझे लगा कहीं अंधा होना अच्छा है। अच्छा चलिए तीन क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, अब इस ट्रांजिशन को करेंगे कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पेमेंट रिसीव हो रहा है, क्या हो रहा है, और फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब देने वाला कि पाने वाला, फ्रॉम मतलब पाने वाला, देने फ्रॉम का मतलब देने वाला होता है, और देने वाला कौन है, और आरकिटेक्ट एक पर्सनल अकाउंट, कैसा अकाउंट है, और पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है कि अगर पाने वाला हुआ तो डेबिट और देने वाला हुआ तो आरक्रेडिट देने वाला है तो क्या क्रेडिट होगा डेबिट होगा, क्रेडिट होगा टू आरक्रेडिटर। अब ये डेबिट अगर क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे डेबिट ही होंगे, अगर पहला अकाउंट क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे क्या होंगे, अच्छा आरक्रेडिट हमें क्या देगा, कैश आएगा ना, कैश रियल अकाउंट है, कैश आएगा तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितना अमाउंट से, 45,000 ऊपर भी होने 45,500 यहाँ पे भी पेमेंट रिसीव हुआ है, फ्रॉम का मतलब देने वाला कौन दिया है, यानी टू आरके ट्रेडर्स, देने वाला कौन है, इसलिए आरके ट्रेडर्स को क्रेडिट कर दिए, टू लगाने का मतलब क्या है, क्रेडिट कर दिए। अब यार ये जब ये क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे क्या होंगे, डेबिट होंगे, तो यहाँ क्या कैश आ रहा है, एसबीआई चेक आ रहा है, कौन सा बैंक, डेबिट की क्रेडिट, बस अमाउंट लिख लीजिएगा आप, अमाउंट यहाँ पे भी यहाँ पे भी। और अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी पेमेंट रिसीव हुआ है किसके द्वारा, आरके, देने वाला कौन है, आरके, आरके को मैंने क्रेडिट कर दिया, डेबिट क्या होगा, या तो कैश या तो चेक, या कहीं कैश कहीं चेक दिया है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट अमाउंट लिख लीजिएगा नीचे ऊपर,
आसान है कि नहीं आसान है? लिख लीजिए, ये तो आसान क्वेश्चन थे जो आप इजीली कर सकते हैं और आप समझ में भी आ गए होंगे कैसे करना है, क्योंकि अब मिक्सअप क्वेश्चन इसके बाद आएंगे और आपको करना हो। चलिए मैं इसको रिरेज कर दे रहा हूँ, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे समझिएगा थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब जैसे लिख दिया अब ऐसा भी लिख सकता है, ऑन कैश भी लगा सकता है, नहीं भी लगा सकता है। अच्छा ये बताइए अब इसमें कौन सा खाता बनाएंगे? क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया गया है, यानी एक अकाउंट हमको मिल गया, एक अकाउंट मिल गया कि नहीं मिल गया? सैलरी। अच्छा सैलरी दे रहे हैं कि पा रहे हैं? पेड करने मतलब दे रहे हैं। अच्छा सैलरी देना है इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस माइनस की प्लस, माइनस का मतलब डेबिट बताए थे ना, और प्लस का मतलब क्रेडिट गए थे ना, तो सैलरी को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और सैलरी किस रूप में देंगे बाबू, जब कुछ मेंशन ही नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? और अमाउंट लिख देंगे दोनों साइड में, 15,000 ऊपर भी 15,000 नीचे। अगर मान लो क्वेश्चन में आ रहा था कि 15,000 ऑन कैश, यहाँ लिख देता ऑन कैश, तब क्या बनाते? तभी यही बनता, तभी यही बनता। लिख लीजिए जल्दी से क्या था बाबू क्वेश्चन। अगला ये था कि मैंने बोला रिसीव्ड कमीशन, क्या बोला? रिसीव्ड कमीशन ऑफ आरएस 20,000 रिसीव्ड हुआ है ना, रिसीव्ड कमीशन ऑफ आरएस 20,000, यानी यहाँ कमीशन मिला है, कमीशन मिला है, इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। तो हम एक लेजर बनाएंगे किस नाम से? टू कमीशन रिसीव्ड, टू कमीशन यानी जो मिल जाता है पहले उसको लिखा जाता है, क्रेडिट मिल गया तो क्रेडिट लिख दिया। अब जाहिर सी जब पहला क्रेडिट होगा बाकी सारे क्या होंगे? डेबिट। क्या होगा कमीशन किस रूप में मिलेगा? कैश क्या हो जाएगा? कितने लोगों का सही है ये वाला? वो सही माना जाएगा, उल्टा हो गया है तो समझ आया ना आपको कैसे करना है। कुछ लोग का अभी भी हाथ उठ नहीं रहा है, बहुत गलत बात है। इतना आसान क्वेश्चन हो सकता है, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं होगा। हाँ एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग। पेड वेजेस, पेड सामने देख लीजिए, तो आप लोग भी कुछ और ही सुन लेंगे। मजबूरी नहीं मजदूरी। ऐसा दिक्कत है, बिमल खा लो दाने दाने में केसर का दम है। बोलो जुबा केसरी कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है ना, बोलो जुबा केसरी। इसका राइट आंसर है वेजेस, पहला अकाउंट वेजेस बनेगा। क्वेश्चन पढ़ते पहला अकाउंट जो मिलता है पहले इसको बना लीजिए। अच्छा पहला अकाउंट अगर डेबिट मिल गया तो बाकी सारे क्रेडिट होंगे, पहला क्रेडिट मिल गया तो बाकी सारे डेबिट, उल्टा होता है दिमाग में रखे रहिएगा ठीक है। तो पहले वेजेस बनाएंगे, वेजेस क्या होगा? मजदूरी, मजदूरी देना क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो माइनस की प्लस, माइनस का मतलब डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा? कैश। अगर यहाँ पे लिख देता 2,000 थ्रू चेक लिख देता तब क्या करते? तो यहाँ कैश नहीं रहता तब क्या रहता? बैंक का नाम रहता। समझ में आ गई बात ना? चलिए अब एक और चीज समझिए, लास्ट जो समझाना है आपको वो है सर मैं मांग। अगला है कि आप जानते हो कि परचेज करना खर्च माना गया, इसलिए परचेज को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? और सेल्स को आप लोग इनकम मानते हैं, इसलिए सेल्स को हमेशा क्या करते हैं आप लोग? क्रेडिट करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब परचेज को हम डेबिट नहीं क्रेडिट करेंगे, लेकिन उसके में जोड़ क्या देंगे? रिटर्न। सब जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? रिटर्न जोड़ देंगे। और रिटर्न का जब पर्चे रिटर्न होगा तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे सेल्स क्रेडिट हो रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब सेल्स को डेबिट किया जाएगा, लेकिन सब क्या जोड़ देंगे? रिटर्न जोड़ देंगे। और जब रिटर्न जोड़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा?
क्या हो? उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं, डेबिट हो जाएगा। जाओ जाओ, मैं भूल गया, जाओ जाओ जाओ। अब देखिएगा, यानी परचेज हमेशा डेबिट होता है, लेकिन परचेज को क्रेडिट किया गया, लेकिन क्या शब्द जोड़ दिया गया? और रिटर्न शब्द आया, तो परचेज डेबिट ना होकर क्रेडिट हो गया। और सेल्स क्रेडिट होता है, लेकिन सेल्स को डेबिट किया गया, क्या शब्द जोड़ के? और जैसे क्रेडिट था वो क्या हो गया? हो डेबिट, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? आप लोग भी लिख लीजिए, ऐसे नेचर लिख लीजिए उसका, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का नेचर लिख लीजिए। अब अब टाइम ऐसा भी आएगा कि पर्ची रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाली बात आएगी। अच्छा, ये रिटर्न शब्द कब आता है? जैसे मान लो हमने कोई सामान खरीदा, 10 पीस कीबोर्ड खरीद लिया मान लो, और उसमें से 2 कीबोर्ड खराब निकल गए, या हम 10 कीबोर्ड का पैसा नहीं दे पाएंगे, 2 वापस कर दिया, हम 8 ही कर देंगे, होगा कि नहीं होगा? तो यही सारी चीजें, तो मतलब वापस करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। क्वालिटी की गड़बड़ी हो गई, डैमेज हो गया, या हमारे पास अफोर्ड नहीं है, पैसे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो कैसे हम परचेज रिटर्न करते हैं, कैसे सेल्स रिटर्न करते हैं, ये भी देख लीजिए। और एक बात बताइए, मैंने किस दुकान पे गया, ये 10 रुपए का मार्कर खरीदा, कितने का? और दुकानदार को मैंने 10 रुपए दिए और ये मार्कर लेके घर चला आया, लेकिन घर आया तो किसी भी कारणवश ये मार्कर चला नहीं, या फिर जो भी हुआ, अगली सुबह हम पहुंच गए इस मार्कर को वापस करने। तो अगर हम दुकानदार को मार्कर वापस कर देंगे तो वो भी तो हमको कुछ वापस करेगा। क्या वापस करेगा? हमारा 10 रुपया। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस माध्यम से आप खरीदेंगे उसी माध्यम से वापसी भी होगी। अगर मान लो हमने मार्कर खरीदा और पैसा नहीं दिया, घर चले गए, अगले दिन मार्कर नहीं चला, हम वापस करने चले गए, तो आप दुकानदार को ये वापस तो करेंगे, लेकिन दुकानदार आपको कुछ वापस करेगा? नहीं, क्योंकि आपने कैश दिया नहीं था, वो भी कैश वापस नहीं करेगा। यानी जैसा खरीदते हैं वैसी वापसी होती है। अगर नगद खरीदे हैं तो नगद वापसी होगी, उधार खरीदे हैं तो उधार वापसी, उधार में हम लोग व्यक्ति का नाम ही लिखते हैं। चलिए, अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? जैसे क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर आरएस 5000, पर समझिएगा पहले ऑन कैश हो गया। और एक क्वेश्चन दे दिया, आरएस 2000 आप गुड्स वर रिटर्न टू एसके ट्रेडर। सबसे मुश्किल सिचुएशन ये होती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि पर्ची रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है। तो सच्चाई ही कहूं मैं तो पार्टी का नाम बताता है आपको कि आपका पर्ची रिटर्न हो रहा है कि सेल्स रिटर्न। ये याद रखिएगा, ये बात मैं पहले भी बताया हूं कि जब हम परचेज करते हैं तो भी हम सामने वाले की बात करते हैं, और सेल्स करते हैं तो भी सामने वाले की बात करते हैं। जब हम परचेज करते हैं तो सामने वाला हमारा सप्लायर होता है, और जब हम सेल करते हैं तो सामने वाला क्या होता है? कस्टमर होता है। क्या होता है? कस्टमर होता है। याद रखिएगा, जब हम परचेज करते हैं तो सामने वाला सप्लायर होता है, सेल्स करते हैं तो सामने वाला क्या होता है? कस्टमर होता है। कभी भी कस्टमर सप्लायर नहीं बन सकता और सप्लायर कस्टमर नहीं बन सकता, ये बात का याद रखिएगा आपके नजर में, ठीक है? लिख लीजिएगा, नहीं पता होगा तो। परचेज करते वक्त सामने वाला सप्लायर है, सेल्स करते वक्त सामने वाला कस्टमर है, लिखिए जल्दी से, ये बाद में लिखिएगा। अब बताइए, नॉर्मली लिखिएगा, तो हमने किया परचेज, तो पहला एंट्री था परचेज गुड्स, पहला एंट्री क्या बनाएंगे, पहला अकाउंट क्या बनेगा? परचेज का बनेगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? परचेज अकाउंट डॉट 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 डेबिट टू कैश या पार्टी का नाम? कैश, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? कैश दिया है। कितना अमाउंट? 5000, और ऊपर भी अब अगला क्वेश्चन है कि 2000 रुपया का गुड्स रिटर्न किया गया है। टू का मतलब आपने किसी को किया है, किसको? अब ये बात है कि यहाँ पर्ची रिटर्न होगा कि सेल्स रिटर्न होगा, तो देखिए आप ये ध्यान दीजिए, एसके ट्रेडर्स आप किए क्या है? तो देखिए एसके ट्रेडर्स का नाम यहाँ पे है, और एसके ट्रेडर्स आप क्या किए हैं? परचेज किए हैं। यानी यहाँ पे क्या बात होगी? पर्ची रिटर्न की बात होगी।
अच्छा बताइए, अगर परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा? उल्टा होगा ना, क्रेडिट होगा। तो लिख दिया मैंने टू, अरे यार जो अखबार में चला जा रहा है, टू परचेज रिटर्न। क्रेडिट कर दिए कि नहीं क्रेडिट दिए? डेबिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का ना। क्वेश्चन में बताइए कैसा खरीदे थे आप सामान, नगद खरीदे थे उधार खरीदे थे? उधार खरीदे थे, नगद खरीदे थे? नगद खरीदे थे, नगद वापसी भी होगी यानी कैश डेबिट हो जाएगा। ओवरऑल ये कहूँ, अगर सही सही ये कहूँ तो जो ट्रांजेक्शन ऊपर हुआ है उसी को उल्टा कर दीजिए बस। यहाँ परचेज डेबिट है तो परचेज को क्रेडिट कर दीजिए, यहाँ कैश क्रेडिट है कैश को डेबिट कर दीजिए, बात खत्म हो गई। अच्छा गुड्स हो गया, गुड्स होगा, सॉरी सॉरी शक्तिमान गलती हो गई, यहाँ पे गुड्स नहीं गुड्स होगा, आप सही है ना। चलिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ कैश को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कितना अमाउंट से, अमाउंट कितना लिखा है 2000, 2000 ऊपर भी और 2000 लिख लीजिए, छाप लीजिए जल्दी से आप लोग छापी। याद रखिएगा जहाँ जहाँ कैश है वहां वहां पार्टी का नाम हो जाता अगर उधार रहता तो। तो देखिएगा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा, ऑन कैश को हटा दीजिए, ऑन कैश को क्या कर दीजिए हटा दीजिए, ऑन कैश हट गया। अब बताइए अब क्या ट्रांजेक्शन बनेगा, यहाँ पे परचेज का बनेगा, क्या बनेगा? अरे थैंक यू सो मच, फोन ज्यादा है ऑन कैश हटा दीजिए, थोड़ा रुक जाइए बाद में लिखिएगा, पहले समझ लीजिए आप लोग, फिर लिखना ही लिखना है, ये भाग थोड़ी रहा है। तो परचेज को हमने कर दिया डेबिट, परचेज डेबिट होता है ना, डेबिट कर दिया। क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम, क्वेश्चन में कहीं कैश दिया है क्या, क्या लिखेंगे? पार्टी का नाम, यस के ट्रेडर लिख देंगे, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा पता नहीं क्यों हट जा रहा है बार बार ये, यस के इन खत्म हो गया है, तुम भी उसकी बहन हो गई हो, क्या नाम है उसका? अब अमाउंट लिख लीजिएगा, अभी बता दिए, फिर से यहाँ पे 2000 का सामान वापस किया जा रहा है यस के ट्रेडर से, तो पहले ये चेक करेंगे यस के ट्रेडर हम किए क्या, एक्स्ट्रा ट्रेडर हम परचेज किए, क्या किए हैं, यानी इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न की बात आ रही है। तो परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है, रिटर्न को क्रेडिट कर दिए। स्पेलिंग थोड़ा राइटिंग गंदी हो रही है, ध्यान मत दीजिएगा। अब किस माध्यम से वापसी होगी, कैश या उधार? कैश होगा, वो कह रहा कैश होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पार्टी का नाम लिख लीजिए, ये भी वाला लिख लीजिए, और इसी को डेबिट कर देंगे, बस हो गया, यही बताना था आपसे, नोट कर लीजिए। ऐसी सेल्स एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्यूशन करके दिखाइए, ऐसा थोड़ी है मैं आपको सेल्स रिटर्न पढ़ा, सेल्स रिटर्न पर्ची रिटर्न में पढ़ाएंगे। ये बताइए यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स हुआ है ना, तो पहले अकाउंट क्या बनेगा, सेल्स का बनाते कि नहीं बनाते आप लोग, और सेल्स जब क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे डेबिट होंगे, डेबिट क्या होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या बनाएंगे, कैश, फिर से गायब हो गया, कैश डेबिट हो जाएगा, और अमाउंट ले लीजिएगा 5000, 5000, सामने देखिए नीचे मत देखिए। अगला क्वेश्चन कहा है कि 2000 का सामान वापस हुआ है, फ्रॉम किसने किया है, आरके ट्रेडर्स ने, तो पहले ये चेक करें आरके ट्रेडर्स हम किए क्या है, तो आरके ट्रेडर्स आप क्या किए हैं, सेल्स किए हैं, क्या किए हैं, यानी यहाँ सेल्स रिटर्न की बात आ रही है। तो अगर सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा, रिटर्न क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा, किस माध्यम से सेल्स रिटर्न होगा, कैश या उधार, पर कैसे हुआ होगा ऐसा, यहाँ होगा, वहां जो डेबिट होगा यहाँ क्रेडिट होगा, वहां कैश डेबिट है यहाँ क्या क्या क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, कितने लोगों का सही है, बहुत बढ़िया। अब बिना कैश के भी लिख लीजिएगा एक क्वेश्चन, हो जाएगा, बिना कैश के भी लिख लीजिएगा एक क्वेश्चन, हो गया, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब आप लोग की बारी है।
कहाँ तुम घूम रहे हो जी? तुम पढ़ चुके, तुम्हारा हम भविष्य देख रहे हैं तुम्हारा। सवरिये ठीक है, सवरिये के चक्कर में रहो तो अब क्या करना है? तुम किस जाति हो जी? आई तुम्हारे गांव से लड़की आती है ना? ये तुम्हारे गांव से लड़की आती है ना? ये सविता इतनी से आ जाती है? ये सवरिया खुद चलाती है क्या? हाँ आज इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ भाई, हम भी जान रहे थे का मतलब हमारे वहां भी पढ़ चुका है लेकिन हम लेट हुए थे। अच्छा ठीक, चलिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्या होगा होगा सेल्स? क्या होता है सेल्स? क्या होता है सेल्स? क्या होता है सेल्स? होता लिखवा दिया हूँ ना, आप लोग कहानी नहीं बना सकते हैं। मैं लिखवाया हूँ कि नहीं लिखवाया हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। अभी फिर से बोल रहा हूँ, पर्ची हमेशा डेबिट होता है ना, तो पर्ची रिटर्न क्या होगा? पर्ची रिटर्न क्या हो जाएगा? तब उल्टा हो जाएगा, रिटर्न का मतलब क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है ना, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? बस अभी समझा नहीं रहा सर। अभी जस्ट लिखवाए हैं, क्यों कंफ्यूजन होगा भाई? सेल्स किसको किसको क्रेडिट किए हैं बताओ यहाँ, या किसको क्रेडिट किए हैं? सेल्स को। मैं कहूँ ना ट्रांजेक्शन उल्टा कर देना है, तो सेल्स क्या क्रेडिट है, सेल्स को डेबिट करेंगे, सेल्स डेबिट होगा जब तक रिटर्न नहीं जोड़ेंगे। और किसी को दिक्कत है इसमें? अरे भाई सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। कैसे क्वेश्चन करना है गलत होगा, फिर मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।